हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर वन आपका कंटिन्यू वापस से, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग और हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में या मैटर के बारे में। फिर हमने पढ़ा जो आपका बेसिक फिलोसफिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हैं उसके बारे में बच्चों। फिर हमने पढ़ा बच्चों आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी भौतिक प्रकृति पदार्थ की, और उन्हें कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ से समझा। और पिछली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी आपकी जो पदार्थ हैं उसकी अवस्थाओं के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक नया टॉपिक, और ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लासेस की बच्चों आपकी ब्रीफ क्लास है इसके बारे में। चलिए जरा शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। तो बच्चों, आज की ब्रीफ क्लास में हम करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले समझ लीजिए एक चीज कि जो मैटर है या पदार्थ है आपका, वो जब एक अवस्था से, यानी जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी क्या पदार्थ की अवस्थाएं, उस अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए या दूसरी से तीसरी में जाए या फिर वापस पहली में आ जाए, इसको हम कहते हैं बेसिक वे में चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था में परिवर्तन। इसको समझाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव में बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बच्चों, कि जब आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पानी या द्रव में बदल जाता है, और ठोस जो होती है बर्फ़ वो कैसी होती है, सॉलिड होती है बच्चों। फिर क्या देख सकते हैं बच्चों, ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, यानी जब किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब आपने बर्फ ली उसे और ज़्यादा गर्म किया तो क्या होगा, पहले वो पानी में बदलेगी और उससे भी ज़्यादा गर्म करोगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये व्हेन गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड, यानी जब गैस ठंडी होती है तो वो कैसे बन जाती है, द्रव में बदल जाती है। इसका उदाहरण आपको पता ही है, जो हमारा वाटर साइकिल है वो क्या दिखाता है कि पानी भाप बन करके ऊपर गया, वहाँ ठंडा हुआ तो फिर वापस क्या हुआ, पानी में या गैस में से चेंजेस होने शुरू हो गए उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बच्चों क्या हुआ कि व्हेन लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, यानी उस पानी को हमने फ्रिज में रख दिया और ज़्यादा ठंडा कर दिया तो वो क्या होगा, सॉलिड में बदल जाएगा, यानी द्रव, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और आपका एग्जांपल भी दिया हुआ बच्चों, उसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ ए आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टेम, इफ स्टेम इज कोल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, इफ द वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस, यानी बर्फ को गर्म करने पर वह पानी में बदल जाता है। तो होता क्या बच्चों कि बर्फ़ को गर्म करने पर पानी में बदल जाता है, और अगर पानी को गर्म किया जाए तो वो भाप में बदल जाता है, और भाप को ठंडा किया जाए तो वो कहाँ बदल जाता है बच्चों, वापस से बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसे कैसे समझ सकते हैं बच्चों कि सॉलिड स्टेट से हमने हीट किया तो लिक्विड बना, यानी ठोस से द्रव्य बन गया तापमान देने पर, और लिक्विड को और तापमान दिया तो हमने वो किस में बन गया, गैस में। अब गैस को हमने क्या किया, ठंडा करना शुरू किया, तापमान इसका कम करना शुरू किया, तो ये किस में आया, लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा ठंडा करने पे सॉलिड आया। तो यहाँ पे क्या बच्चों देखने को मिल रहा है हमें कि हम बेसिक वे में क्या कर रहे हैं, तापमान या टेम्परेचर को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसे बच्चों कैसे समझ सकते हैं हम, इसे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को बेसिक वे में समझ सकते हैं, कैसे, कुछ बेसिक चीज़ों के द्वारा। कि हमने क्या किया बच्चों,
कि जो आइस थे उसके पार्टिकल्स कैसे थे, यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे से जुड़े, क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव, यानी कि उनका मूवमेंट नहीं हो सकता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस में, ये बात तब पढ़ी थी बच्चों हमने। फिर क्या किया हमने, उसके जो पार्टिकल्स थे उन्हें कुछ हीट एनर्जी दी, यानी कि ऊष्मा दी। तो क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो इधर उधर भागने लगे, जो हीट एनर्जी मिली उससे, और एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। अब एक दूसरे से जैसे जैसे अलग होना शुरू हुए तो वो धीरे धीरे थोड़ा और दूर जाने लगे, क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर लगातार दे रहे थे बच्चों। अब लगातार टेम्परेचर देने से क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि पानी क्या हुआ, उबलने लगा। उबलने लगा मतलब कि अब थोड़ी देर में उसमें स्टार्ट होने वाली है स्टीम का फॉर्मेशन, यानी और टेम्परेचर हमने दिया तो वो जो पार्टिकल्स थे और ज़्यादा दूर जाने लग गए, और फिर क्या हुआ उसमें फॉर्मेशन कैसा बना कि जो सॉलिड था या ठोस था उससे लिक्विड बना या द्रव तरल बना आपका, और आखिरी में ज़्यादा टेम्परेचर देने पर उसमें क्या बन गया बच्चों, गैस, या गैस हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं, बन गया बच्चों आपका। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, एक फैक्टर पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, यानी अवस्था के परिवर्तन के बारे में, कि टेम्परेचर या तापमान इसमें क्या रोल प्ले करता है बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।